दोस्तों गूगल एक ऐसी जगह है जहां पर हम सभी सारा दिन सर घुसेड़ कर वहां पर मौजूद रहते हैं और गूगल से जब भी हम कोई भी चीज मांगते हैं वह फटाक से उसका आंसर हमें दे देता है। ये तो गूगल की कुछ अच्छाइयां हैं, मगर गूगल में कुछ ऐसी डार्क वेब काली सच्चाई भी छुपी हुई है जिनके बारे में हम सभी पूरी तरीके से अनजान है। मगर गूगल में कुछ ऐसी वेबसाइट भी है जिनके बारे में अगर हम सभी को पता चल जाए तो हम सभी के तोते उड़ सकते हैं। वैसे कुछ बहुत चीज़ें तो आपको भी गूगल के बारे में पता तो होंगी, बच्चे तो है नहीं आप सभी, क्योंकि हमारी वीडियो छोड़कर आप सभी सब कुछ देखते हैं। ये बढ़िया था गुरु। खैर गूगल के तमाम रहस्यों के बीच हमारे पास एक ऐसा नंबर मौजूद है जिसको गूगल में सर्च करने के बाद हमें गूगल अजीबोगरीब रिजल्ट दिखाता है, मगर समझ में यह नहीं आता है कि उस नंबर को गूगल में सर्च करने के बाद गूगल हमें अजीबोगरीब रिजल्ट क्यों शो करता है, इसके पीछे कारण क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं वह नंबर कोई श्रापित नंबर हो, शायद ऐसा भी कुछ हो सकता है। वैसे घबराइए नहीं, वह कोई श्रापित नंबर नहीं है, लेकिन वह नंबर है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। वैसे हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं वह नंबर है 2415443903, और इस नंबर को हम जैसे ही गूगल पर सर्च करते हैं तो हमें गूगल सर्च रिजल्ट में ढेर सारी अलग अलग फोटो देखने को मिलती हैं, और उन सभी फोटोज में लोग अपना आधा सिर फ्रिज के अंदर डाले हुए दिखाई देते हैं। वैसे यह कोई मजाक नहीं है, चाहे तो आप इसे सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं, मगर अभी नहीं, वीडियो को पूरा देख तो लीजिए। और इस नंबर के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जिसकी वजह से हमें गूगल पर यह सब देखने को मिलता है। जब साल 2009 में यह नंबर वायरल हुआ था तब उस समय के काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म टम्बलर और ऑर्कुट पर काफी फेमस हुआ था। फिर उसके बाद गूगल तेजी से टॉप पर आया और देखते ही देखते यह नंबर गूगल पे वायरल नंबरों में से सबसे टॉप पर आने लगा तथा गूगल पर वायरल नंबर के नाम पर सबसे ज्यादा यही नंबर सर्च किया जाता है। और इस नंबर के पीछे हाथ था एक अमेरिकी कलाकार डेविड हॉर्विट्ज का। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने घर की एक फ्रिज को खोलकर उसमें अपना सर थे के उसमें एक सेल्फी क्लिक की, और सेल्फी क्लिक करने के बाद उन्होंने उस सेल्फी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड कर दिए। चलिए यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, उन्होंने उस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया में वह फोटो अपलोड करने के बाद उन्होंने उस फोटो के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को टैग कर दिया और उनको एक चैलेंज दे दिया कि अब शेयर करके दिखाओ। बस उसके बाद क्या था, उसके खाली बैठे नल्ले दोस्त जुट गए अपने काम पर और तनातन सेल्फी लेने में शुरू हो गए, और सेल्फी लेने के बाद उन्होंने भी उस सेल्फी को सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दिया, और सोशल मीडिया में अपलोड करने के बाद वह नंबर भी डालते थे और टाइटल में यह लिखते थे कि हेड इन अ फ्रीजर। उसके बाद डेविड के सभी दोस्तों ने तो ऐसा किया ही, और उसके बाद उनके दोस्तों ने यह कारनामा करके अपने भी दोस्तों को यह कारनामा करने के लिए बोल दिया और चैलेंज दे दिया। उसके बाद उनके दोस्त इस तरीके से यह चैलेंज धीरे धीरे एक रहते के तरीके पूरी जगह फैल गया। जब यह रहता सभी जगह फैल गया तो लोग इसको नेट पर सर्च करने लगे, और नेट पर यह नंबर डालने पर पहले तो एक दो फोटोज ही दिखाई देती थी, मगर धीरे धीरे फ्रिज में सिर रखे हुए फोटोज की भरमार लग गई। सभी इंटरनेट पर यही नंबर सर्च करने पर लगे हुए थे। फिर जब गूगल पॉपुलर हो गया तो पूछो ही मत, यह नंबर गूगल पर भयंकर रूप से वायरल हो गया, और 2021 में भी यह नंबर सभी वायरल नंबरों में टॉप लिस्ट में आता है और लोग सर्च करके देखते हैं, और 2022 में भी यह नंबर धड़ाधड़ सर्च किया जाएगा। सोचो डेविड ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उनका यह चैलेंज इंटरनेट पर एक इतिहास के रूप में बनकर रह जाएगा। वैसे यह तो बात थी चैलेंज देने की और सेल्फी लेने की, मगर एक बात यह है हमारे दिमाग में आ रही कि ये जो डेविड भैया ने नंबर चुना था, ये नंबर आखिरकार कहाँ से लाए थे, हुए उनके दिमाग में चैलेंज देने के लिए यही नंबर क्यों आया था। तो एक इंटरव्यू के दौरान डेविड से जब यह पूछा गया कि वह नंबर कहाँ से लाए थे, तो डेविड ने उस इंटरव्यू के दौरान यह बताया कि उन्होंने वह नंबर अपने फ्रिज के सीरियल नंबर और अपने मैगी के पैकेट से वह सीरियल नंबर निकाल कर उस नंबर को मिक्स करके वह नंबर बनाया था, और उसको बनाने के बाद सभी दोस्तों को टैग किया था, और टैग करने के बाद आज आप उस नंबर का परिणाम तो देख ही रहे हैं। तो देखा यहाँ पर क्या से क्या अजीबोगरीब चीजें वायरल हो जाती है, क्या करें, जनता को मजा जो बड़ा आता है यह सब करने में। वैसे आपके पास कोई ऐसी खास मजेदार जानकारी गूगल के बारे में हो तो हमें इस वीडियो के कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं, ताकि हमारे बच्चा लोग भी उस जानकारी के बारे में
जान सके। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और आप सभी को हमारी यह वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाकर आप सभी को हमेशा इंटरटेन करता रहता हूँ।